नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से होने वाली है, ये लगभग तय नजर आ रहा है। और एक बार फिर जबरदस्त यहां पर क्रिकेट का महाकुंभ देखने को मिलेगा। 8 टीमों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा और किस टीम में होगा दम ये भी देखने वाली बात होगी। इस खास रिपोर्ट में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, स्क्वाड कंपैरिजन करेंगे, हेड टू हेड मैचेस को लेकर कंपैरिजन करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। ये दोनों एक जबरदस्त राइवल्स हैं दोनों टीमें, और एक के कप्तान जहां द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी और एक के कप्तान अग्रेसिव विराट कोहली। थाला वर्सेस चिन्ना थाला की लड़ाई है। अब यहां पर बाजी कौन मारेगा ये सोचना बड़ा जरूरी है। आरसीबी को इस बार यूएई में प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है, हालांकि चेन्नई तो हर साल होती है लेकिन इस बार आरसीबी को ज्यादा डेंजरस माना जा रहा है। उसकी वजह है और उसकी वजह काफी ज्यादा बड़ी है, बहरहाल उस पर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस की। दरअसल दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में करीब 24 मुकाबले हुए हैं। 24 में से 15 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में गए हैं और महज 8 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत मिली है। अगर टाई की बात की जाए तो एक ऐसा मुकाबला था जो बारिश की वजह से धुला और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। यानी कि अगर हम कायदे से देखें तो चेन्नई का पलड़ा यहाँ पर आरसीबी पर भारी है। चेन्नई 3 बार की चैंपियन है आईपीएल की है, प्लस उन्होंने कई बार प्लेऑफ्स भी खेला है। ज्यादातर सीजन में तो वो प्लेऑफ्स में नजर आए ही आए हैं। आरसीबी के साथ दिक्कत ये रही है कि इस टीम में नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन वही है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। विराट एबी पर आकर ये टीम डिपेंडेंट हो जाती है और फिर इस टीम की गेंदबाजी फिर पूरी तरीके से ढीली नजर आती है। तो इस बार आरसीबी के पास क्या है, क्या आरसीबी की पावर है और क्या इस बार आरसीबी जीत सकती है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी के स्क्वाड की। आरसीबी के स्क्वाड की बात की जाए तो इनके पास एक जबरदस्त बंच है, युवा खिलाड़ियों का, विदेशी खिलाड़ियों का और बल्लेबाजों का। एक ऐसा बंच तैयार है जो आपको आईपीएल इस बार जिता के दे सकते हैं और मैच फिनिशर्स की भी इस टीम में कमी नहीं है। क्रिस मॉरिस के आने से टीम मजबूत हुई है। क्रिस मॉरिस एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, प्लस लंबी लंबी हिटें भी मार सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिस मॉरिस के रूप में आरसीबी के पास एक अच्छा विकल्प है। 10 करोड़ की बोली लगाकर इस बार आईपीएल ऑक्शंस में आरसीबी ने क्रिस मॉरिस को टीम में लाया था। उसके बाद इसुरू उडाना, ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और ये लंबी लंबी हिटें ये भी मार सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। इनके आने से ऑलराउंडर का जो विकल्प है वो यहाँ पर खुल चुका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। मोइन अली के आने से भी ये टीम मजबूत हुई है। यूएई की पिचेस हैं, स्पिन ट्रैक है और मोइन अली अगर टीम का हिस्सा होंगे तो वो भी मैचेस निकालकर आरसीबी को दे सकते हैं। हालांकि मोइन अली पिछले सीजन में भी थे लेकिन उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। शिवम दुबे की बात की जाए तो ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, एक प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है, अगला युवराज सिंह इन्हें टीम का कहा जाता है इंडिया का। और कहीं ना कहीं शिवम दुबे अगर आते हैं तो फिर यहाँ पर एक अच्छा फायदा आरसीबी को हो सकता है। पवन देश पांडे बेहतरीन खिलाड़ी, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत स्पिन भी डाल सकते हैं। गुरकिरत सिंह मान ये भी एक डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। शाहबाज अहमद ये भी जबरदस्त डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं। वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक अच्छा ऑलराउंड विकल्प है, अच्छी पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं स्पिन के साथ, प्लस यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स इनकी टीम में आने से पूरी बैलेंस है ये टीम, क्योंकि विराट और एबी इस टीम की आन बान और शान है। लोग इन दोनों को देखने के लिए ही एक साथ आईपीएल में आरसीबी को पसंद करते हैं। जॉश फिलिप के आने से इस टीम में कहीं ना कहीं ओपनिंग की समस्या जो है तो वो थोड़ा सा दूर हुई है। पार्थिव पटेल के रूप में एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर इनके पास मौजूद है। डेल स्टेन है जो आपको तेज गेंदबाजी में मदद कर सकते हैं। केन रिचर्डसन है जो अच्छी तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। इन दोनों के आने से जो गेंदबाजी आक्रमण जो आरसीबी का हर साल वीक होता था और वो काफी हद तक अब सही नजर आ रहा है। उमेश यादव और नवदीप सैनी यहाँ पर इनको सपोर्ट करते नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल है इस टीम का हिस्सा, जबरदस्त गूगली डालते हैं और शायद आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं। मोहम्मद सिराज भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आरसीबी का स्क्वाड इस बार बैलेंस्ड नजर आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की, तो इस टीम के पास भी भरमार है स्टार खिलाड़ियों की। फाफ डुप्लेसी के रूप में इनके पास एक अच्छा ओपनर है, हालांकि फाफ डुप्लेसी लगभग सारे मैचेस तो नहीं खेलेंगे। अब साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स लॉकडाउन की वजह से कितना लेट आते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका सरकार की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।
केदार जाधव इस टीम में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की भूमिका निभा सकते हैं, प्लस पार्ट टाइम स्पिन भी कर सकते हैं, तो केदार जाधव एक वैल्यूएबल प्लेयर इस टीम के और बाय डिफॉल्ट एक चॉइस बन जाते हैं। मुरली विजय सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, एज अ बैकअप ओपनर इस टीम में है। ऋतुराज गायकवाड अगेन एक युवा खिलाड़ी और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी। सुरेश रैना ये भी चिन्नाथाला कहे जाते हैं, धोनी के बाद इनका नाम सबसे ऊपर आता है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की अगर बात की जाए तो तीन नंबर पर ये जबरदस्त विकल्प हैं मिडिल ऑर्डर में। ड्वेन ब्रावो के रूप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, धोनी के तुरूप के पत्ते कहे जाते हैं। मिचेल सैंटनर के आने से टीम जो है गेंदबाजी में और मजबूत हुई है। सैंटनर पिछले सीजन में भी जबरदस्त कई पारियां उन्होंने खेली। रविंद्र जडेजा ये ऑलराउंडर हैं, ये इनके बारे में आप बात करना अपनी बेइज्जती कराना वाली बात है या फिर इनकी बेइज्जती करने वाली बात है, क्योंकि ये सब कुछ कर सकते हैं। सैम करन एक बेहतरीन तेज गेंदबाज भी हैं, इनके आने से भी यहाँ पर एक ऑलराउंडर का विकल्प और खुल चुका है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। शेन वॉटसन काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी और महेंद्र सिंह धोनी को इन पर भी काफ़ी भरोसा है और ये बल्लेबाजी से आपका मैच का रुख पलट सकते हैं, खासकर बड़े मैचेस में। महेंद्र सिंह धोनी को ये भी किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। नारायण जगदीशन डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, इनके पास मौजूद हैं। करण शर्मा के रूप में एक लेग स्पिनर इस टीम में मौजूद है, कि ये मासिफ अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, हमने देखा पिछले सीजन में काफ़ी प्रभावी रहे थे। लुंगी एंगिडी इनका इनके भी आने पर असमंजस है, तो लुंगी एंगिडी थोड़ा सा एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। जॉर्ज हेजलवुड ग्लेन मैकग्रा की कॉपी है, ऑस्ट्रेलियन है और ज़बरदस्त तेज गेंदबाजी करते हैं, दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं गेंद को। मोनू कुमार हैं, पीयूष चावला कहते हैं कि धोनी ने खुद रिकमेंड किया था पीयूष चावला को टीम में आने के लिए और उन्हें टीम में लाया गया, उससे और मजबूत हुई है टीम। शार्दुल ठाकुर हैं, हरभजन सिंह अपना हो सकता है कि आईपीएल का आखिरी सीजन खेले, तो कुल मिलाकर चेन्नई की टीम भी मजबूत नजर आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरसीबी भारी पड़ेगी या चेन्नई भारी पड़ेगी। देखिए हेड टू हेड मैचेस के लिहाज से देखा जाए तो चेन्नई की टीम थोड़ा ज्यादा भारी है और मजबूत भी और बैलेंस भी है, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन की बात की जाए तो फिर अगर आपको चेन्नई को दबाना है तो आपको बड़े रन बोर्ड पर लगाने होंगे, तो वो इस टीम में दमखम है। रॉयल चैलेंजर्स में एक नाम और मैं आपको बताना भूल गया, एरन फिंच, उनके आने से भी ये टीम मजबूत हुई है और काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। विराट एबी पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा अगर एरन फिंच यहाँ पर ओपन करते नजर आते हैं तो, क्योंकि वो पावर प्ले में आपके रन भी बनाकर दे सकते हैं। आरसीबी को इसलिए मजबूत बताया जा रहा है क्योंकि यूएई में आरसीबी का रिकॉर्ड अच्छा है। यूएई में आरसीबी ने करीब 5 मैच खेले हैं, 5 में से 4 जीत आरसीबी के हाथ लगी है और 1 हार आरसीबी को नसीब हुई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो इन्होंने भी 5 मुकाबले खेले हैं, 5 में से उन्हें सिर्फ 2 में जीत मिली, 3 में हारे। उस लिहाज से देखा जाए तो आरसीबी का पलड़ा भारी है और अगर हम देखें हेड टू हेड मैचेस में भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तो आरसीबी का पलड़ा यूएई के पिचेस पर भारी है। इस वजह से आरसीबी की टीम को थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स कितनी ज्यादा डेंजरस है और क्या कुछ कर सकती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। क्या लगता है आपको आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स में कौन सी टीम बेहतरीन है और अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें जरूर बताइए। आपकी टीम हम अपने अगले प्रोग्राम में जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, आपका नाम लेकर बताएंगे। शायद आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस जानकारी काफी खुश होंगे क्योंकि दोनों ही टीमों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और हर कोई चाहता है कि दोनों में से जो एक टीम है वो आईपीएल तो जीतेगी ही, लेकिन हर कोई चाहता है कि दोनों टीमें कम से कम जो है प्लेऑफ्स में पहुंचे और इनके बीच फाइनल भी देखने को मिले। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।